ईद पर बनने वाली खास किमामी या फिर किमामी सेवई की रेसिपी आज मैं आपके साथ लेकर आ गई हूँ। ये सेवई जो है नॉर्मल सेवई से अलग होती है, इसीलिए इसको शाही सेवई बोला जाता है। अब मैंने यहाँ वर्ड शाही यूज़ कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंपल कर दिया है ताकि आप आसानी से जो है ये सेवई बनाकर तैयार कर सकें। ये नॉर्मल सेवई से बहुत ही अलग बनता है और मैं बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि किस तरीके से किमामी सेवई बनती है। और एक बार अगर आप बना लेंगे तो हर कोई रेसिपी तो पूछने ही वाला है। डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं सबके क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। यहाँ मखाने लिए हैं सूखा नारियल, बादाम, काजू और जो है छुहाड़ा, इन सब का जो है पाउडर तैयार करके इसको सेपरेट कर लेना है। कितना क्या लेना है ये डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे जो है ना हम लेंगे 2 कप के करीब चीनी और 2.5 कप के करीब पानी, जो है इतना ही क्वांटिटी आपको लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे चुटकी भर जो है तंदूरी फूड कलर डाल रहे हैं कलर आने के लिए सेवई में, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट यूजुअली किमामी सेवई में कलर पड़ता ही है। इसका जो है ना चिपचिपा सा चाशनी तैयार करना है, कोई तार वाला नहीं। पैन में जो है ना आपको जो है 2 टेबलस्पून के करीब जो है देसी घी या फिर अनफ्लेवर्ड रिफाइंड ऑयल लेना है। और ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं सूखा नारियल, यहाँ पे जो है मैंने लिया है छुहाड़ा, किशमिश, बादाम और काजू, और थोड़े से जो है मैंने मखाने लिए हैं। उधर इन्हीं सब का पाउडर तैयार किया है, यहीं पर इन सबको भुनना है। तो ये सारे जो है ड्राई फ्रूट्स, अगेन इसकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन को प्लीज़ रेफ़र करें कि आपको कितना क्या लेना है। अब देखिए इसको जो है भून कर निकाल लेंगे, ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर कर हमने निकाल लिया है घी में। थोड़ा सा और ऑयल या फिर घी लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे 3 मैंने हरी इलायची ली है और 5 से 7 लौंग ले लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर सेवई डाल देनी है। ये महीन वाली अलग सेवई आती है जो कि बाल जितनी पतली होती है। इसको क्या करना है ना, इसी में तेल के साथ जो है भुना रहता है। वैसे ये यूजुअली भुना हुआ ही आता है, बट फिर भी जो है तेल या घी जो भी है उसके साथ हम थोड़ी देर और जो है लो फ्लेम पर ही भुनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। हल्का सा बस इसका कलर चेंज कर लेना है, उसे ज़्यादा नहीं करना होता है, इसकी ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है इस सेवई की। ध्यान देने वाली बात ये है, अब जो हमने चाशनी तैयार करके रखा था वो चाशनी इसमें आपको डाल देना है। और चाशनी डाल लेने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो है मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब मावा यानी कि खोया जो है मैंने घर पे बनाया था, आप मार्केट से ला सकते हैं। इस खोया को जो है डाल देंगे और इसके टुकड़े कर लेंगे। तो 300 ग्राम के करीब यहाँ पे मावा हमने ऐड किया है यानी कि खोया डालकर मिक्स कर लेना है। किमामी सेवई में जो शाही टेस्ट आता है वो खोए के वजह से आता है, क्योंकि इसमें हम दूध नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाशनी से बना रहे, इसलिए खोया जो है इसमें मैंडेट होता है, यानी कि ज़रूरत है इसको खोया ऐड करने की इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। खोया डालकर जो है अब इसकी ज़्यादा देर कुकिंग नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मामी सेवई इन जनरल जो है बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं किया जाता है। लास्ट में जो है फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने निकाले थे और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर थे जो हमने प्रिपेयर किया था एकदम शुरू में, वो सब कुछ इसमें डाल देना है और मिक्स कर लेना है। बस मिक्स कर लेने के बाद जो है 1 से 2 मिनट चलाते हुए इसको पका लें और फिर गैस को बंद कर दें। थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मैंने बचा कर रखा है और थोड़ा सा जो है यहाँ पर पानी ऐड किया है कंसिस्टेंसी इसकी सही करने के लिए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैं ऐसी कंसिस्टेंसी का रख रही हूँ। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड ही रखते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं इस चीज़ को, मैं जो है इसको इसी तरीके से रख रही हूँ। ये देखिए मिक्स कर लेंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया, मावा वगैरह डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया। तो अब ज़्यादा जो है इसकी कुकिंग नहीं करनी है, फ्लेम का ध्यान देना है, आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही काम करना है। तो बस मिक्स हो गया और ये देखिए बातों बातों में जो है किमामी सेवई बनकर तैयार है। शाही वर्ड यूज़ किया था, पर जैसा कि मैंने आप कहा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो ये देखिए इस तरीके से जो है मिक्स कर लीजिए और आपकी किमामी सेवई बनकर तैयार है। आपको कर देना है गैस का फ्लेम बंद। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी तक हमने इसको पकाया है। इससे ज़्यादा जो है हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। लास्ट में जो है यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि इलायची पाउडर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप जब चाशनी बना रहे थे ना तो उसमें भी डाल सकते थे। ये देखिए इस तरीके से जो है सेवई निकाल लेंगे। और जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स के पाउडर बोले थे ना बचा कर रखने के लिए, मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी और थोड़ा सा पाउडर उसको भी बचा कर रखा है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को मैं कॉर्नर कॉर्नर जो है इस तरीके से जो है स्प्रेड कर रही हूँ और बीच में ड्राई फ्रूट्स से गार्निशिंग कर दे रही हूँ। इससे देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। तो ये देखिए बातों बातों में जो है आपकी शाही सेवई बनकर तैयार है।
मैं बता रही हूँ, इस रेसिपी को मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है। तो इस बार जो है, इस ईद आप ये सेवई बनाइए, आपको ये सेवई का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।